हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। पैंतालीस साल की हो गई है रानी, मीडिया के साथ एक्ट्रेस ने स्पेशल डे की खुशियां है मनाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी पिछले कई सालों से अपनी जबरदस्त एक्टिंग से फैंस का दिल जीत रही हैं। हर बार बेहतरीन दमदार कैरेक्टर चूज कर रानी सबको इम्प्रेस कर देती हैं। वहीं रानी 21 मार्च को 45 साल की हो गई। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं। फैंस रानी को बर्थडे की विशेष दे रहे हैं। यशराज बैनर ने भी रानी को उनके बर्थडे की खास अंदाज में बधाई दी। YRF ने रानी की यशराज फिल्म्स की लिस्ट से उनके लुक्स को खास उनके बर्थडे के मौके पर शेयर किया। वैसे बीते दिन रानी ने अपने इस स्पेशल डे का एक छोटा सा जश्न मीडिया के साथ भी मनाया। एक्ट्रेस व्हाइट शर्ट एंड ब्लू जीन्स में बिग गॉगल्स के साथ बर्थडे लुक को कंप्लीट करती दिखी। रानी के चेहरे पर बर्थडे ग्लो साफ नजर आ रहा है। मीडिया के साथ केक कटिंग करने के बाद एक्ट्रेस ने पैप्स के साथ पिक्चर भी क्लिक की। वैसे रानी की फिल्म मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे 17 मार्च को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बात करें कलेक्शन की तो फिल्म ने फर्स्ट डे 3 करोड़ 22 लाख, दूसरे दिन 4 करोड़ 55 लाख, तीसरे दिन 4 करोड़ 91 लाख और मंडे को यानी कि चौथे दिन 1 करोड़ 77 लाख का कलेक्शन किया। फिल्म के लगातार अनस्टॉपेबल कलेक्शन से एक्ट्रेस काफी खुश हैं। आपको बता दें, अपने जन्मदिन पर एक्ट्रेस की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो पिंक एंड रेड हैवी एम्ब्रॉयडरी सूट में ग्लो करती दिखी। दरअसल एक्ट्रेस अपने बर्थडे के मौके पर फिल्म के सक्सेस के लिए असम के कामाख्या मंदिर गई। बता दें कि मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे एक माँ की कहानी है, जो अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए सभी हदों को पार कर जाती है। इस फिल्म में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के अलावा नीना गुप्ता, जिम सर्ब और अनिर्बान भट्टाचार्य ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। सोशल मीडिया पर भाईजान ने दिया अपने फैंस को टास्क, क्या दबंग खान के स्टेप को कॉपी कर पाएंगे उनके फैंस। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान की रिलीज में अब केवल 30 दिन रह गए हैं। ऐसे में धीरे धीरे ही सही, लेकिन सलमान ने फिल्म के 3 गाने भी रिलीज कर दिए हैं। आज सलमान ने इस फिल्म का सॉन्ग फॉलिंग इन लव रिलीज कर दिया है। इस सॉन्ग को सलमान ने खुद गाया है। इस सॉन्ग में उनकी और पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री शानदार लग रही है। दोनों की पॉजिटिव एनर्जी दिल जीत रही है। लेकिन इस बार सलमान ने न सिर्फ अपना ये गाना शेयर किया है, बल्कि अपने चाहने वालों के लिए एक टास्क का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल सुल्तान ने सोशल मीडिया पर इस गाने को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, वो जो फॉलिंग वाला स्टेप है जिसमें कोई स्टेप नहीं है, वो करके दिखा दो। लव का तो पता नहीं, फॉलिंग इज श्योर। सलमान ने इस कैप्शन से उन ट्रोल्स की ओर इशारा किया है जो अक्सर सलमान के डांस मूव्स पर उंगली उठाते हैं। बात करें फॉलिंग इन लव सॉन्ग की, तो इस गाने में सलमान के डांस स्टेप्स एक बार फिर काफी डिफरेंट हैं। वायर की हेल्प से हुक स्टेप करते सलमान का मूव थोड़ा हटकर है। वैसे ये तो सब जानते हैं कि सलमान अपने फैंस के लिए सॉन्ग बनाते हैं, वहीं फिल्म में तो वो एक भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, तो एक भाई कितना शानदार डांस कर सकता है। इसलिए अगर आप गौर फरमाएंगे तो फिल्म के रिलीज हुए 3 गानों में सलमान कुछ यूनिक करते दिखते हैं। इससे पहले 2 मार्च को सलमान का बिल्ली बिल्ली सॉन्ग आउट हुआ था, जिसमें एक्टर का हुक स्टेप फिर से कुछ अलग था। वहीं वैलेंटाइंस डे के मौके पर सुल्तान का नयो लगदा सॉन्ग आउट हुआ था। इस गाने में भी पूजा और सलमान की केमिस्ट्री गजब थी, लेकिन गाने का सिग्नेचर स्टेप सबका ध्यान खींच ले गया। घुटने पर बैठ बैठ कर डांस करते सलमान का ये अनोखा अंदाज फैंस का दिल चुरा ले गया। आपको बता दें कि किसी का भाई किसी की जान ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म में शहनाज गिल, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम जैसे कई स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। हे गाइस, वेलकम टू E24, मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज। और कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए और अपने सारे कीमती सामान की भी सुरक्षा
आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपके फ्लाइट में बहुत ही जल्द होने वाली है चोरी। जी हाँ, 24 मार्च को होने वाला है आपके ही घर में, आपके नेटफ्लिक्स पे चोर निकल के भागा आने वाला है। और अपने सारी कुर्सी की पेटी बांध के इस फिल्म को जरूर देखें। हमारे साथ इस वक्त है इसके स्टार कास्ट, वी हैव यामी गौतम एंड सनी कौशल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू नवीन, थैंक यू। कैसे हो आप लोग? सैटरडे मॉर्निंग कैसा ट्रीट कर रहा है आपको? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑल ब्राइट एंड सनशाइन। हाउ अबाउट यू? यस, फैंटास्टिक। टॉकिंग अबाउट चोर निकल के भागा, मैं आपके ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में गया था एंड पीपल आर रियली लाइक यामी 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 एंड एवरीबॉडी आर लाइक यामी बहुत ही अच्छा कर रही हैं एंड एकदम सब कुछ। व्हाट इंटरेस्ट यू लाइक कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपने हाँ कहा? बिकॉज हमने आपको ऑफिसर बनते देख लिया, जर्नलिस्ट बनते देख लिया, नाउ एयर हॉस्टेस, मतलब ऐसे क्या आप ढूंढ रहे हो कि अब मुझे क्या बनना है? आप कौन सी यूनिफॉर्म मुझे मिल सकती है उधार पर? दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू नवीन, आपने बहुत शुक्रिया आपके शब्दों के लिए। और मैं भी गई नो कमेंट सेक्शन पे, मैंने भी यामी 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 सनी 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 चलो 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 चोर निकल के भागा, ये कैसा टाइटल है? बहुत कुछ, इट्स वन ऑफ दोज ट्रेलर जहाँ पे बहुत कम नेगेटिव कमेंट्स हैं, या तो आप लोग बहुत बहुत जल्दी इनको डिलीट कर दे रहे हो नेटफ्लिक्स, आई डोंट नो, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू आल्सो, बट आई थिंक आई लाइक टू बिलीव दैट लोग सच में ही प्यार करते हैं, नहीं, 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 और सो बिग थैंक यू टू देम आल्सो। हाउ इज यू गेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रेलर सनी? अगर आपको किस तरह से फीडबैक आ रहे हैं? बहुत बढ़िया फीडबैक आ रहे हैं, लाइक शी सेड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस फ्यू फिल्म्स जहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम है। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक पीपल आर, लोगों को वो जानने में काफ़ी दिलचस्पी हो रही है कि मेरा मुंह क्यों टूटा हुआ है लोगों को। बाकी पीपल आर वो, वॉट इज़ इंटरेस्टिंग ना, जो मैं कॉमेंट्स जाके पढ़ रहा था कि लोगों के ये शुरू हो गए कि फिल्म में हो क्या रहा। कोई को लोगों को लग रहा है कि ये पूरी पिक्चर दिखा दी, वो भी एक अच्छी बात है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये पूरी फिल्म है, जबकि ये बस एक सेटअप है जो ट्रेलर में हमने दिखाया, उसके आगे बहुत कुछ है, ऊपर नीचे बहुत जगह ये फिल्म ट्रैवल करती है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड काफ़ी लोग ये भी डिबेट करने लग गए कि चोर कौन है कौन नहीं है, वेदर इट्स मी, वेदर इट्स हर, वेदर इट्स शरद सर, हु इज इट, यू नो, तो ये सब काफ़ी विच इज़ वेरी गुड बिकॉज वो दिखा रहा है कि वो कितने जुड़े हुए हैं और कितने एंगेज्ड है उस चीज़ के साथ। हमने देखा है यामी, बहुत सारे आपने किरदार प्ले किए हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट किरदार आपने प्ले किए हैं, पर अभी फ़िलहाल हम आप दोनों से मेरा सवाल है, फ़िलहाल हम आपको मोस्टली OTTs पे देख रहे हैं, क्या खुद को एक्सप्लोर करना ज़्यादा अच्छा, मतलब OTT स्पेस पे है, इस वजह से आप अपने प्रोजेक्ट्स को इसलिए हाँ बोल रहे हो जो OTT पे रिलीज़ हो रहा है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस? नो, फिल्म कहाँ रिलीज़ होती है वो एक्टर्स के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है, उन्हीं के हाथ में है जिनकी इन्वेस्टमेंट है, जिनका पैसा लगता है। और क्योंकि जब मैं कोई फिल्म साइन करती हूँ, मैं नहीं पूछती हूँ कि ये थिएटर में जा रही है OTT जा रही है, और ये सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पर यही सोच के काम हम लोग करते हैं कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी। एग्जैक्टली, यू नो, ये OTT तो बहुत अच्छा स्पेस है अपने आप में, एक ऐसा मीडियम कि अब ये वापस नहीं जाने वाला है, बट एक जो होता है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी कि हम बड़े पर्दे पर देखें, पर एक वक्त के साथ बदलना, अडेप्ट करना वो भी बहुत ज़रूरी है। आजकल वक्त बहुत अलग है, मैथ बहुत अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, सब कुछ पूरा एक डेमोग्राफी बदल गया है फिल्म व्यूइंग का, बहुत मेजरली, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही फिल्मों के लिए, मेजरली। तो ऐसे में जहाँ प्रोड्यूसर को लगता है कि अच्छा, यू नो, ये एक मिड बजट फिल्म है एंड मुझे वो मुझे यहाँ रिटर्न बेटर दिख रहा है, मुझे यहाँ प्राइसिंग बेटर मिल रहा है, शायद मैं वो चांस नहीं लेना चाहता बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट हूँ फिल्म को लेकर, बट वॉट इफ़, तो वो वॉट इफ़ जो है ना, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं, यू नो, अभी वक्त लगेगा मुझे लगता है। वर यू वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ फिल्म जिसमें एक्शन भी हो, ड्रामा भी हो, रोमांस भी हो, सब कुछ है, मतलब? और सेकंड सवाल ये है, फ्लाइट के अंदर शूट करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज सीट्स होते हैं, वॉकिंग पासिंग होता है, कैमरा मैन को भी स्पेस चाहिए होता है, हाउ वॉज शूटिंग अ फाइट सिक्वेंस इन द फ्लाइट? ओके, कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर आई वाज वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, यस I was. This is मतलब obviously ये मेरे दिमाग में नहीं था, but जब ये फिल्म आई तो मुझे लगा कि हाँ यार, this is something which can be explored and जो potentially शायद जहाँ से मैं एक बेहतर actor बन के निकल सकता हूँ, तो self experiment के लिए and just to test your own waters also, this was very important for me.
So I was very fortunate to get this. Real plane में shoot हुआ कि नहीं कुछ ऐसा? Real plane तो नहीं था. नहीं. We created a plane. कुछ ऐसा मन था आप लोगों ने कभी ऐसे discuss किया था कि why can't we shoot in a real plane वैसा कुछ? I don't think we discussed because it's not. It's not possible. I mean वो जो cost होगा मुझे नहीं पता वो एक नया वो शब्द बनेगा उसके लिए real plane real airline real. So and I don't think any airline would also like to associate themselves with a concept जिसमें hijack हो या highest हो to be very fair to them all. Yeah, obviously. तो हम हमारा world वो वही वाला सही है set दादा वाला is correct word for us. Lastly मेरे पास एक सवाल है किसी बॉलीवुड एक्टर के घर पे अगर चोरी करना हो तो कौन सा बॉलीवुड एक्टर होगा क्या चोरी करना हो? ये हम खेल चुके हैं हम फिर से खेलेंगे. I'm actually run out of options. अच्छा हमें कौन सा बॉलीवुड एक्टर होगा और क्या? अच्छा ये ना है हमें ही बताना है. अच्छा हमें बताना है. ये अच्छा ये तो हमारे हाथ में. देखिए why just an actor could be director also. And I stole his heart. खेल गई. तो बस हो गया मेरा आंसर हो गया. चोरी करने की जरूरत है ही नहीं. तो बोल दो जो उसका है. Not that they have a, हाँ बिल्कुल बोल दो बोलो 100% ऐसे निकलना होता है ऐसे समझो से. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. थैंक यू नवीन. सबको इंतजार है 24 मार्च का.